मोहब्बत की दुनिया के लाजवाल हीरो मिर्ज़ा जट और उसकी महबूबा साहिबा और उसकी घोड़ी बक्की की कब्रों की सैर। दोस्तों ए और रस्ता है जड़ी साइड तू साहिबा दे पेके ओदे ओदे भाई ओदे पिंड दे बाकी लोग घोड़ियां ते होर काफ़ी चीज़ा ते मतलब वो इधरों दी आए सी ही साहिबा और जट मिर्ज़ा जट नू लभद्या मिर्ज़ा जट नू ते साहिबा नू लभद्या इधरों दी ओदे साहिबा दे वारस आए सन। ते इधरों जदों आए ए सड़क दे रस्ते ते इधरों काफ़ी मतलब वो एक नहर जी है वो जगह क्रॉस करके उन्होंने आना पिया। फिर जो इतों लंघे तो इधरों जो कुत्ते सन साहिबा दे पिंड दे ओ सब तो पहले यह जी सामने टोई है यह मैं थोड़ा दिखा रहा ये उन्होंने रेस्ट की इतों पानी पीता वो थके हुए सी चुके। दोस्तों यह वो टोई है मतलब यह छप्पड़ है जिद जड़े साहिबा तो मिर्ज़ा नू जंग चू कुत्ते ट्रेस करन वास्ते लभण वास्ते आए हुए सी। उन्हां दे नाल जिन्ना भी कोई अमला आया सी जिन्ने लोग आए सन उन्हां दे नाल जिहड़े नाल नाल कुत्ते हैगे सी वह भी जो आए इत्थे आ के ए टोई दे विच सब तो पहले वड़े क्योंकि इन्नी दूरों सफ़र करके आए सी लभदे लभदे ते यह टोया जिहड़ा है यह तालाब जिहड़ा है इहदे विच आ के उन्होंने सह लिया सी पानी पीता सी ते इत्थे रैसट कीती सी। उस तो बाद फिर वो जो जंड का दरखत है उतू साहिबा तो मिर्ज़ा की नज़र पई कि यह तो उतू जंग के कुत्ते ने यदा मतलब है सानू पिछू जे लभन वाले लोग ने वो कि इतने किधरे नज़दीक ही उन्होंने है ने वो इन्होंने नाल पिछे आ रहे होने तो फिर उन्होंने अपनी तैयारी शुरू कर दी। तो उदों की यह छपड़ी ए तालाब यह टोई उदों का है इन्ने सौ साल हो गए ने यह हाली तक सुकया नहीं है यदी ये खासीयत है कि ये उस वक्त का यह तालाब जो हाली तक नहीं सुकया। दोस्तों वो जंड का दरखत है जिदे थले आ के मिर्ज़ा तो साहिबा बैठे सी उन्होंने आराम किया उधरों जंग चू साहिबा ने जो मिर्ज़ा लैके आया तो वो इस दरखत के थले बैठे सन आराम किया इस जगह पर मिर्ज़ा ने इस तरह करके बैठा सी इंज तो इस तरह फिर जी साहिबा वो भी नाल बह गई। फिर साहिबा मिर्ज़े ने कहा भी मैनू हूँ थोड़ी जी ना थकावट महसूस हो रही है तो उन्हें फिर क्या साहिबा ने कहा ठीक है जी मैं बहनी हाँ। साहिबा फिर इस तरह करके बह गई जो बैठी तो वो पट्टे सिर रख के मिर्ज़ा सौ गया उन्होंने थोड़ा जहा आराम आया सुकून महसूस होया तो उस सौन के दौरान साहिबा के दिल में कोई ख्याल आया उन्हें सोचा भी ये मिर्ज़े का एडा इन्ना व्डा तो इन्ना बेहतरीन निशाना है तो ये हो सकता है मेरे जिहड़े पिछू वरसा आवन ये मेरे भाई उन्होंने ये मार देगा इस वास्ते उन्हें फिर खेडे लगी रही खेडती खेडती उन्हें नाल जनाब तीर जिहड़े ने थोड़े थोड़े इस ख्याल तोड़ती रही सारे तीर तोड़ दिते तो फिर बाद च एक तीर रह गया सी दो तीर रह गए सी चार तीर रह गए सी जिन्हां दे नाल फिर बाकी चार बंदे उन्हें मिर्ज़े ने अपने आउण तो नेड़े आउण तो पहले पहले ही उन्हें मार दिते ते बाकी बंदियां ने फिर जो तीर उहदे कोल खत्म हो गए फिर अथा पथा लड़ाई शुरू हो गई उहदे विच आ के फिर ज़ाहिर है वह बंदे ज़्यादा सी मिर्ज़ा कल्ला सी बहादुर भी सी बड़े बड़े उन्हें मुकाबले जीते सी लेकिन आखिर उहदी लिखी इत्थे सी इत्थे फिर उन्होंने उन्हें मार दिता मिर्ज़ा इत्थे फिर फौत हो गया नाल ही उन्होंने साहिबा नूं भी इत्थे ही मार दिता। कहा जाता कि 150 साल हो गया तकरीबन तुसीं ये वेख रहे हो कि ये खाली है अंदरों 150 साल तो ये इन्ना ये खाली है विचों ये जंड दा दरखत लड़ते हुए मारे गए। उस तो बाद पिंड वाले जिहड़े मतलब जिहड़े दानाबाद दे विच मिर्ज़ा की घोड़ी जिहड़ी बक्की वो पिंड च गई दानाबाद खाली जदों गई तो उहदी भैण ने मिर्ज़े दी ने देखा कि घोड़ी कल्ली आई है ये तो दो जिहड़े लैण वास्ते गई सी उहनूं पता सी उहदी भैण नूं मिर्ज़े दी भैण नूं पता सी कि मिर्ज़ा साहिबा नूं लैण गया है
तो उन्हें देखा कि घोड़ी कली आई है, तो जो उन्हें फिर वो समझ गई कि कोई ना कोई मसला बन गया है मिर्जा के साहबा के नाल। जो फिर घोड़ी पिछा वापस तुरी अपने मतलब उन्होंने मिर्जे के लगदियां वेख के, तो वो फिर उन्हें जो मिर्जे के भाई ने ते बाकी पिंड के बंदे वो नाल घोड़ी के फिर तुर पे। देखा कि भी देखिए की होया घोड़ी कली क्यों आई है, घोड़ी सानू किधर लैके जाती, की मसला बनया। तो घोड़ी फिर जो इतने वापस लैके आई उन्होंने तो देखा तो मिर्जा तो साहबा दोनों फौत हुए से, बाकी सारे चले गए सब। तो उस तो बाद फिर उन्होंने इतने मिर्जा तो साहबा की कबर बना दी, इतनी दफना दिता। हालांकि पर मदरसा एक पिंड है, मदरसा का कब्रस्तान है बहुत वड्डा, कहते हैं कि एशिया का सब तो वड्डा कब्रस्तान है। उत्थे जो लैके गए उत्थे ले जाना सी, उधर की बजाय उन्होंने कहा कि जिथे फौत हुए हैं असी इन्हों इतें ही दफना दें। तो फिर उन्होंने एक साइड पर साहबा की कबर इतने उन्होंने साहबा की कबर बना दी, तो नाल ही मिर्जा साहब जट की कबर बना दी। तो उस तो बाद जरा मिर्जे का वालद है उन्हें ये क्या पहले कि मेरी कबर भी जी मिर्जे मेरे बेटे के नाल ही बनाया जी, उन्होंने अपने बेटे नाल ही मुहब्बत सी। तो फिर उन्होंने जो वारस है उन्होंने बाद जो मिर्जा का बाप फौत होया मंजर जट खरण वो फिर कबर कबर भी उन्होंने इतनी नाल ही बना दी। मिर्जे के वाल की कबर है यानी मिर्जे के प्यो की कबर है, यह मिर्जा जट की कबर है और यह साहबा की कबर है। दोस्तों तुम यह वेख रहे हो मिर्जे की जड़ी घोड़ी सी बड़ी दुबली पतली तो देखण नूं इंज लगती सी जिवें बड़ी कमज़ोर जी कि हुणे मरियल जी है सी घोड़ी, लेकिन कहिंदे ने कि वह रब की तरफों वो आई सी ते उहदी रफ्तार बिजली नाल भी बड़ी ज़्यादा तेज़ सी ते उहदा नां सी बक्की, जिहड़ी उत्थों इहनूं मिर्जा ते साहिबां नूं लै के आई ते इत्थे दानाबाद विच आए आ के ते फिर इन्हों की जे पिछू उन्होंने बहार आ रही थी जेडे इन्हों लभदे आ रहे सन साहबा दे पेके वो जे वरसा है गए सी उन्होंने इत्थे देखा तो फिर उन्होंने लड़ाई हुई आपस में फिर इत्थे मिर्जा तो साहबा मारे गए। फिर जो मिर्जा साहबा फौत हो गए तो उस तो बाद बक्की जी कहते हैं कि काफ़ी महीने जोड़ा है वो इन्हों कबर के आले दुआले जोड़ा ना वो चक्कर लाती रही उस गम से परेशानी दे बेचे, फिर घोड़ी भी यानी बक्की भी फौत हो गई तो उसकी फिर कबर भी इत्थे नाल ही है बनाई गई है। माय नेम इज मोहम्मद अशरफ 384GB। मेरा नाम मोहम्मद फखर अब्बास है और मैं 384 से बिलोंग करता हूँ। मेरा नाम सफर इकबाल है 381 में लेता हूँ। मोस्ट वेलकम बाबू पाकिस्तानी भाई और जी बना रहे हैं वीडियो और इतने स्पेशल अपना कीमती वक्त निकाल के आए हैं, तो लोगों वास्ते भी जो भी यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं उन्होंने रिक्वेस्ट की जाती है कि बाबू पाकिस्तानी भाई और चैनल जोड़ा वो सबसक्राइब भी करो और लाइक भी करो और बैल आइकन दबाना लाजमी है ताकि हर आने वाली नई वीडियो थोड़ा दिखा सकन जी। और इलाका साडा देसी माहौल है, बहुत खूबसूरत इलाका है। मेरे भाई जेडे पाकिस्तान तो इलावा जो होर दूसरे मुल्कों देख रहे हैं, इंडिया देख रहे हैं या दूसरा कोई आस पास के मुल्कों देख रहे हैं, ईरान तुर्की, ये अपना ना मिर्जा साहबा है, तारीखी मकाम है, ये बहुत ही पुरानी इनकी तारीख है और इतने आकर तुम जो इंजॉय करोगे ना थोड़ी यकीन करो मज़ा आएगा। और खास करके बाबू पाकिस्तानी वीडियो बनाने भाई की मैं शुक्रिया अदा कर रहा कि इतने आके लाजमी जितने भी दोस्त देख रहे हैं ये तुम्हें बई ये वेखना चाहिए क्योंकि इलाका साडा बहुत खूबसूरत है, यकीन करो क्योंकि देसी माहौल है साडा, असी पसंद करने हैं क्योंकि जेडे पहाड़ी इलाके आने लगे लोग देखते हैं उन्होंने वाकई बहुत खूबसूरत लगता है। जहरी गल है ये माहौल देसी है, इलाका खूबसूरत है, खुला डुला माहौल है, मुहब्बत वाले हाँ जी मुहब्बत वाले लोग हैं भाई जान, जो कोई आए असं मोस्ट वेलकम करने हैं, जिस तरह बाबू पाकिस्तानी भाई उन्होंने कर रहे हैं वेलकम स्पैशल आए हैं, इतने कोई मसला मसायल नहीं किसी किस्म का भी, थोड़ा बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। भाई ना की ਤੁਹਾਡਾ ਮਜ਼ਰ ਇਕਬਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਚ ਹੋ ਬਾਈ ਅਸੀਂ 585 ਦਾ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਣੀ ਰਹਿਸ਼ ਹੈ ਜੀ ਅੱਛਾ ਇਹ ਇਥੋਂ ਇਹ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੀ ਹੈ 585 ਹਾਂ ਜੀ ਇਹ 585 ਹੈ ਜੀ ਅੱਛਾ ਇਹ 585 ਦੇ ਏਰੀਆ ਚ ਹੀ ਹੈ ਮਤਲਬ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਤਹਿਸੀਲ ਲਨਕਾਣਾ ਤਹਿਸੀਲ ਜੜਾ ਤਹਿਸੀਲ ਜੜਾਲਾ ਹਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਤਹਿਸੀਲ ਜੜਾ ਵਾਲਾ ਤੇ ਉਹ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਨਨਕਾਣੇ ਤੋਂ ਆਣਾ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੇ ਜ਼ਬਾਨ ਤੇ ਨਨਕਾਣਾ ਚੜਿਆ ਹੈ ਨਾਰਾਜ਼ ਨਾ ਹੋਇਆ ਜੀ ਅੱਛਾ ਤੇ ਇਹ ਮੇਲਾ ਕਦੋਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ
ਇਹਦਾ ਜੀ ਮੇਲਾ ਇੱਕ 13 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਤੇ ਇੱਕ 15 16 ਚੇਤਰ ਦੀ ਹੁੰਦਾ ਮਤਲਬ ਇਸ 13 ਨੂੰ ਹਾਂ ਇਸ 13 11ਵੇਂ ਮਹੀਨੇ ਦੀ 13 ਤਰੀਕ ਨੂੰ 13 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਦੂਸਰਾ ਕਦੋਂ ਹੈ ਦੂਸਰਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਚੇਤਰ ਦੀ 15 16 ਚੇਤਰ ਅੱਛਾ ਉਹ ਕਿਤੇ ਬਾਅਦ ਚ ਹੈ ਫਿਰ ਉਹ ਬਾਅਦ ਚ ਠੀਕ ਉਹ ਚੇਤਰ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ ਵੀ ਕਦੋਂ ਹੈ ਅੱਛਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਤਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਹੀ ਹੋਣਾ ਮੇਲਾ ਹਾਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਇਹ ਇਤਵਾਰ ਨੂੰ ਕੀ ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਹੋਏਗਾ ਮੇਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੋੜੀਆਂ ਦਾ ਦੌੜ ਹੁੰਦੀ ਅੱਛਾ ਤੇ ਵੈਸੇ ਜੁੰਮੇ ਹੁੰਦੀ ਅੱਛਾ ਘੋੜੀਆਂ ਦੌੜਨਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਝੁੰਬਰ ਮਤਲਬ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਹੋਏਗੀ ਜਾਂ ਘੋੜੀਆਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਬੰਦੇ ਝੁੰਬਰ ਖੇਡਣਗੇ ਤੇ ਘੋੜੀਆਂ ਨਸਣਗੀਆਂ ਦੌੜ ਲਾਉਣਗੀਆਂ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੋਏਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ ਕਿੱਥੋਂ ਕਿੱਥੋਂ ਲੋਕੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਲੋਕੀ ਕਾਫੀ ਦੂਰੋਂ ਦੂਰੋਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਮਤਲਬ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਕਾਫੀ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਹੋਣਗੇ ਇੰਡੀਆ ਵਗੈਰਾ ਇੰਗਲੈਂਡ ਬਾਹਰ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਪਰਸੋਂ ਚੌਥ ਦੋ ਗੱਡੀਆਂ ਆਈਆਂ ਨੇ ਅੱਛਾ ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਹਾਂ ਕੇ ਕੀ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਆਏ ਅੱਛਾ ਉਹ ਫਿਰ ਆਏ ਹੋਣੇ ਨਾ ਅੱਜ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਹੋਣੇ ਟੁੰਬੜੀ ਲੱਗੀ ਸੀ ਟੁੰਬੜੀ ਲੱਗੀ ਮੇਲਾ ਲੱਗਿਆ ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਉਹ ਇੱਧਰ ਆ ਗਏ ਹੋਣੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲੀ ਚਲੀਏ ਕਾਫੀ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਹੋ ਗਈ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਜੀ ਇੱਥੇ ਰੋਟੀ ਦਿੱਤੀ ਰੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਗਵਾਂਢ ਇਹ ਹੋਈ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਯਾਨੀ ਕਿ ਬੰਦੇ ਨਾ ਉਸ ਏਰੀਏ 'ਚ ਆਉਣ ਲੱਗਿਆ ਦਾਨਾਬਾਦ ਤੂੰ ਇੱਧਰ ਸਾਈਆਂ ਦਾ ਪਿੰਡ ਔਰ ਇਹ ਏਰੀਆ ਦਾ ਨਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਨਾ ਬੜੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਸੰਭਲ ਜਿਹੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਸਹਿਮ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਡਰ ਜਿਹੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਉਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਡਰ ਖਤਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸਾਰੇ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਜਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਉਣਾ ਉਹ ਬੜੇ ਪੁਰਅਮਨ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਰਾਤੀ ਆਉਂਦੇ ਆਣ ਸ਼ਹਿਰ ਚ ਨਿਕਲਣਾ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਣ ਕੋਈ ਰਾਜ ਕੋਈ ਖਤਰਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਇਦੋਂ ਹੀ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮਿਰਜ਼ਾ ਕਿੰਨਾ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਸੀ ਇਸੇ ਤਾਂ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਔਲਾਦ ਨੇ ਮਿਰਜ਼ੇ ਦੇ ਕੋਈ ਲੱਗਦੇ ਹੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਹਮਸਾਏ ਹੈਗੇ ਨੇ ਗਵਾਂਢੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਉਹ ਇਲਾਕਾ ਕੋਈ ਇਹ ਤੇ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਖਤਰਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਮਰਜ਼ੀ ਆ ਸਕਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਜਨਾਬ ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਫਿਰ ਮੇਲੇ ਤੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਏਗੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ